Hello everyone. Today I will be recording this video on parallel lines and transversals, जो हमने क्लास में डिस्कस किया था उसका रिविजन है. ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं वॉट वी विल लर्न. वी विल लर्न वॉट आर पैरेलल लाइन्स, वॉट इज अ ट्रांसवर्सल. ठीक है, तो पैरेलल लाइन्स उसका क्या डेफिनेशन रहता है. ठीक है, पैरेलल लाइन्स लाइन्स दैट नेवर मीट ईच अदर, मतलब वो कभी क्रॉस नहीं होते. ठीक है, वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करते, कभी मिलते नहीं है. ठीक है, बस अपने आप से जाते रहते हैं, कभी मिलते नहीं है. ठीक है, एंड ऑलवेज हैव इक्वल डिस्टेंस बिटवीन देम. मतलब ये देखे, ये जो डिस्टेंस वन है यहाँ पे, ये जो ये वाला एरो है, और ये जो डिस्टेंस टू है ये वाला एरो. ठीक है, ये जो दोनों डिस्टेंस इक्वल रहेगा. ठीक है, हमेशा इक्वल रहेगा, जहां पे भी डिस्टेंस लो हमेशा इक्वल रहेगा. ठीक है, तो याद करना, द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस इज ऑलवेज द सेम एट एनी पॉइंट. मतलब जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहेगा, जहां पे भी लो सेम ही रहेगा. ठीक है, अभी हम जाते हैं नेक्स्ट पेज पे. तो यहाँ एक्टिविटी है, आर दीज पैरेलल. ठीक है, तो पॉज करके आप अपने आप के लिए सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो और फिर उसके बाद मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा. ठीक है, तो यहाँ पे एक मिनट के लिए पॉज कर सकते हो और मैं आंसर 5 4 3 2 1 में बताऊंगा. ठीक है, तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन वन देखें हम, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है सब जगह पे इक्वल है और ये दोनों लाइन क्रॉस नहीं कर रहे, तो ये मतलब इस ये दोनों लाइन पैरेलल है. ठीक है, अभी क्वेश्चन टू पे जाते हैं. क्वेश्चन टू पे साफ सफाई दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्रॉस हो रहा है, यहाँ दे आर मीटिंग. ठीक है, तो इफ द टू लाइंस आर मीटिंग, मतलब ये पैरेलल नहीं हो सकते, दे आर नॉट पैरेलल. ठीक है, अभी ये क्वेश्चन थ्री जो है थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है. ठीक है, बट और ये मैं वापस समझाऊंगा, ये थोड़ा मोर डीपली मैं वापस समझाऊंगा. बट अगर यहाँ देखें तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है थोड़ा ज्यादा है, यहाँ पे जो डिस्टेंस है थोड़ा कम है, डिस्टेंस सेम नहीं है, इसका मतलब ये नॉट पैरेलल है. ठीक है, और ये जो क्वेश्चन फोर है ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है. यहाँ पे अगर देखेंगे तो जो जहां पे भी डिस्टेंस लो दोनों लाइन के बीच, यहाँ पे सेम है, यहाँ पे सेम है, यहाँ पे भी सेम है, तो हर जगह सेम डिस्टेंस है और दोनों लाइन कभी मिलते नहीं है, क्रॉस नहीं हो रहे, इसका मतलब ये भी पैरेलल होंगे. आप ये पूछ सकते हो, ये दोनों लाइंस तो टेढ़े हैं, सीधे नहीं है. जो क्वेश्चन वन में यहाँ पे हमने सीधा लाइन बनाया है और यहाँ पे क्वेश्चन फोर में जो टेढ़ा करके लाइन बनाया है, ऐसे पैरेलल कैसे हो सकता है. पैरेलल लाइंस का अगर डेफिनेशन देखें हम, तो बस वो बोल रहा है कि क्रॉस नहीं हो सकता है और डिस्टेंस सेम रहना चाहिए, और यहाँ पे भले ही टेढ़ा हो सके बट फिर भी डिस्टेंस सेम है और क्रॉस नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये पैरेलल है. ठीक है, तो ये मत सोचना कि लाइन जो टेढ़ा है, नहीं तो लाइन जो थोड़ा सा ऐसा घूम के डाला हुआ है, वो पैरेलल नहीं हो सकता है, वो भी पैरेलल हो सकते हैं. ठीक है, अभी हम नेक्स्ट पे जाते हैं. अभी क्वेश्चन थ्री के बारे में अगर बात करें, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, तो अभी मैं थोड़ा और समझाता हूँ इसको. ठीक है, तो दो तरीका है इसका समझ इस क्वेश्चन को समझने का. पहला पहला तरीका ये है. ठीक है, क्या लिखा है स्लाइड पे, इन द पिक्चर द लाइंस डू नॉट मीट सो दे शुड बी पैरेलल. राइट, मतलब पिक्चर में दिखा रहा है कि क्रॉस नहीं हो रहा है तो पैरेलल होना चाहिए, बट क्यों पैरेलल नहीं है ये समझते हैं. सो पहले बोल रहा है व्हाट इफ वी एक्सटेंड द लाइंस, मतलब उसको लंबा बनाओ, थोड़ा लॉन्गर करो. ठीक है, तो यहाँ जो येलो में मैंने एक्सटेंड किया है, थोड़ा लंबा किया है, मतलब डायरेक्शन सेम है, लाइन स्ट्रेट ही है. ठीक है, सेम ही लाइन है, बस थोड़ा सा लंबा किया है, मतलब रूलर रखे थोड़ा सा लंबा किया है बस. ठीक है, अभी जब मैंने लंबा किया है, यहाँ पे देखो क्या मिल रहा है, दिख रहा है आपको कि यहाँ पे क्रॉस हो रहा है, लाइन दोनों क्रॉस कर रहे हैं, है ना. अगर क्रॉस किया लाइन तो पैरेलल हो नहीं सकता, तो इसका मतलब जब ये लाइन को एक्सटेंड किया हमने, फिर हमने देखा कि यहाँ पे क्रॉस हो रहा है, तो ये पैरेलल नहीं हो सकते. ठीक है, अगर हम प्रीवियस क्वेश्चन पेज पे जाते हैं, तो क्वेश्चन वन पे को देखो अगर, तो हम इस लाइन को थोड़ा ऐसे लंबा करते जाए, कभी क्रॉस ही नहीं होगा, तो ये पैरेलल रहेंगे. ठीक है, मैं ड्रॉ करता हूँ आपके लिए. यहाँ पे अगर मैंने जहां ये ग्रीन कलर का लाइन ड्रॉ किया है,
और ये भी यहाँ पे दोनों को थोड़ा लंबा किया है, लंबा करके भी कभी क्रॉस नहीं हो रहे ना, तो अगर क्रॉस नहीं हो रहे इसका मतलब पैरेलल है, ठीक है। और क्वेश्चन थ्री में हमने अभी देखा कि अगर हमने लंबा किया उसको तो ये पैरेलल नहीं है क्योंकि ये क्रॉस हो रहे हैं, ठीक है। मैं वापस दिखाता हूँ आपको, तो हमने अभी लंबा किया और यहाँ पे क्रॉस हो रहा है तो ये पैरेलल नहीं है, ठीक है। अभी दूसरा तरीका समझते हैं, ठीक है। रिमेंबर दैट पैरेलल लाइंस नेवर मीट, मतलब लंबा किया फिर भी नहीं मीट हुआ तब पैरेलल, नेवर, ठीक है। अगर लंबा किया और फिर मिले दैट मीन्स पैरेलल नहीं हो सकते। अभी नेक्स्ट पे जाते हैं, दूसरा तरीका ये है, ठीक है। लुक एट डिस्टेंस वन, मतलब यहाँ पे जो एरो बना है वो डिस्टेंस इस पॉइंट पे देखते हैं दोनों लाइन के बीच कितना गैप है, कितना स्पेस है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पीले में एरो मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है। अभी नाउ लुक एट डिस्टेंस टू, मतलब ये नीला जो एरो है यहाँ इस पॉइंट पे जो गैप है लाइन के बीच वो देखते हैं, ठीक है। अभी दोनों को कंपेयर करो, एक साथ डिसाइड करो दोनों सेम है कि एक बड़ा है एक छोटा है, ठीक है। तो साफ सफाई दिख रहा है आपको कि डिस्टेंस वन डिस्टेंस टू से ज्यादा बड़ा है, ठीक है। इसका मतलब कि डिस्टेंस दोनों लाइन के बीच हमेशा सेम नहीं है, मतलब बदल रहा है ना, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस है, यहाँ पे कम डिस्टेंस है, ठीक है। और अभी अगर हम याद करें तो हमने सीखा कि पैरेलल लाइंस के बीच जो डिस्टेंस रहता है वो हमेशा सेम रहता है, ठीक है। तो इसका मतलब द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस इज ऑलवेज द सेम, और यहाँ पे डिस्टेंस वन और डिस्टेंस टू सेम नहीं है, इसका मतलब ये पैरेलल लाइंस नहीं हो सकते, ठीक है। तो रिकैप करें, जल्दी से रिकैप करते हैं। रिमेंबर दैट पैरेलल लाइंस नेवर मीट, मतलब कभी मिलते नहीं है, कभी क्रॉस नहीं करते, इवन इफ यू मेक देम लॉन्गर, ताकि जितना भी लंबा करो, ठीक है, अगर फिर भी नहीं मीट हुआ फिर पैरेलल लाइंस, अगर थोड़ा सा लंबा करके आप देख लिए कि अभी क्रॉस हो रहे हैं इसका मतलब ये पैरेलल लाइंस नहीं हो सकते, ठीक है। और दूसरी पॉइंट ये है द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस इज ऑलवेज इक्वल, इसका क्या मतलब है, जो जहां पे भी डिस्टेंस लिया दोनों लाइन के बीच वो हमेशा सेम रहना चाहिए। हमने अभी अभी देखा उस क्वेश्चन में डिस्टेंस वन ज्यादा बड़ा था, डिस्टेंस टू थोड़ा छोटा था, मतलब सेम नहीं था, इक्वल नहीं था, इसका मतलब पैरेलल नहीं हो सकता है। सो डिस्टेंस हमेशा सेम रहना चाहिए तभी पैरेलल हो सकता है, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, ट्रांसवर्सल्स, ठीक है। तो ट्रांसवर्सल क्या होता है, ट्रांसवर्सल इज अ लाइन विच मीट्स टू और मोर अदर लाइंस, इसका क्या मतलब है, अ लाइन जो दो या दो से ज्यादा लाइन को क्रॉस करता है, ठीक है। तो अगर यहां देखें ये जो लाइन ऊपर वाला है और लाइन नीचे वाला है, जो दो सफेद लाइन है वो दोनों पैरेलल लाइंस है क्योंकि कभी क्रॉस नहीं कर रहे एक दू मतलब एक दूसरे से क्रॉस नहीं कर रहे और एक दूसरे से डिस्टेंस सेम है। अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस मार्क करूं, ठीक है, और यहाँ पे डिस्टेंस मार्क करूं, दोनों ही डिस्टेंस सेम है, इसका मतलब द टू वाइट लाइन्स जो सफेद लाइन है दोनों पैरेलल है, एक दूसरे से पैरेलल है, ठीक है। बट अगर हम ये पिंक कलर का लाइन के बारे में बात करें तो ये ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल क्यों है, क्योंकि वो लाइन है जो दो या ज्यादा दूसरे लाइन को क्रॉस कर रहा है, तो ये ऊपर एक लाइन से क्रॉस कर रहा है, नीचे दूसरे लाइन से क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये पिंक लाइन ट्रांसवर्सल होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे तीसरा लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, तो यहाँ पे वापस ये कट करेगा, है ना, यहाँ पे ये ट्रांसवर्सल जो है ये तीसरे लाइन को यहाँ पे कट कर रहा है, मतलब ये भी, मतलब ये पूरा चीज ट्रांसवर्सल बन गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि टू या मोर, मतलब टू और मोर, मतलब टू थ्री फोर जितने भी लाइंस को कट कर रहा है वो ट्रांसवर्सल है, ठीक है। अभी नेक्स्ट पे जाते हैं, एक्टिविटी, ठीक है, मैं एनोटेशंस को क्लियर कर रहा हूँ, हाँ एक्टिविटी। तो अभी हमको बताना है इन तीन लाइन में से ट्रांसवर्सल कौन सा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे पॉज करके अपने आप के लिए आंसर कर सकते हो और मैं 5 सेकंड में आंसर बताने वाला हूँ। 5 4 3 2 1, ओके।
अभी मैं आंसर बताता हूं, ठीक है? तो इसको कैसे समझे हम, अभी अगर ये वाला लाइन को ले, ठीक है, जो मैंने अभी ग्रीन मार्क डाला है, ठीक है, अगर उस लाइन को देखें तो पूरे लाइन पे ये बस एक ही जगह पे कट कर रहा है दूसरे लाइन को, मतलब एक ही लाइन को कट कर रहा है। और हमने अभी पढ़ा कि ट्रांसवर्सल दो या ज्यादा को कट करता है, तो ये नहीं हो सकता है, ठीक है। अभी अगर ये दूसरा लाइन को चेक करें, ये जो मैंने अभी पीले में डाल रहा हूं, ठीक है, अगर सेम चीज देख के हमको रियलाइज होता है कि यहाँ पे बस एक ही लाइन को कट कर रहा है, ठीक है, दो लाइन को नहीं कट कर रहा है, तो ये भी ट्रांसवर्सल नहीं हो सकता है, ठीक है। बट जो सही आंसर है इज ये वाला लाइन जो अभी मैंने पिंक में किया है, ठीक है, वो वाला लाइन ट्रांसवर्सल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक लाइन को कट कर रहा है, यहाँ पे दूसरे लाइन को कट कर रहा है, तो मतलब दो लाइन या दो लाइन से ज्यादा को कट कर रहा है, मतलब ट्रांसवर्सल, ठीक है। अभी हम सेम चीज को, सेम मेथड यूज करके अगर क्वेश्चन टू को देखें, तो यहाँ पे भी सेम ही चीज है, ये जो लाइन है जो क्रॉस में जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, अगर आपको, हाँ, ये जो क्रॉस लाइन दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक दूसरे लाइन को कट कर रहा है और यहाँ पे दूसरा दूसरे लाइन को कट कर रहा है, ठीक है, मतलब यहाँ पे वन कटिंग और यहाँ पे दूसरा कटिंग हो रहा है, दो या ज्यादा कटिंग मतलब ट्रांसवर्सल, ठीक है। अभी क्वेश्चन थ्री पे आते हैं, क्वेश्चन थ्री थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, ट्रिक क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो पहले ये वाला जो मैं अभी लाल में मार्क कर रहा हूं, इसको देखते, अगर पूरे में देखो यहाँ पे लाइन को कट नहीं कर रहा है, ठीक है, मतलब जीरो लाइन को कट कर रहा है, ठीक है, तो ये ट्रांसवर्सल नहीं हो सकता है, क्योंकि दो से कम को कट कर रहा है ना, जीरो इज लेस देन टू, तो ये नहीं हो सकता ट्रांसवर्सल। और सेम चीज करके, सेम मेथड यूज करके अगर हम दूसरे लाइन जो मैंने अभी येलो में किया है, नहीं तो जो मैंने अभी ब्लू में किया है, अगर ये दो लाइन को भी देखे हम, तो ये भी लाइन किसी और लाइन से कट नहीं कर रहे हैं, मतलब ये भी ट्रांसवर्सल नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि कटिंग नहीं कर रहे, दो या ज्यादा जगह में कटिंग नहीं कर रही है लाइन्स, तो ट्रांसवर्सल नहीं हो सकता है। तो ये ट्रिक क्वेश्चन था, इसमें नो ट्रांसवर्सल इज द आंसर, इसमें ट्रांसवर्सल नहीं है, तीनों लाइन एक दूसरे से पैरेलल है, ठीक है, मतलब तीनों लाइन पैरेलल है एक दूसरे से, क्योंकि अपने आप से कट नहीं कर रहे ना, मतलब ये पैरेलल हो गए, ठीक है, और यहाँ पे ट्रांसवर्सल नहीं है। अभी वापस आते हैं क्वेश्चन फोर पे, ठीक है, और सेम चीज एक एक करके हर लाइन को चेक करो, ठीक है, तो ये जो लाइन है वो नहीं हो सकता ट्रांसवर्सल, क्योंकि बस एक ही जगह में कटिंग कर रहा है, ये भी लाइन जो है बस एक ही जगह में कटिंग कर रहा है, बट ये जो लाइन है जो मैंने अभी पिंक में किया है, ये यहाँ पे एक और यहाँ पे दूसरी बार कट कर रहा है, मतलब दो बार कटिंग कर रहा है, मतलब ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो वो सब था एक्टिविटी और डेफिनेशन ऑफ पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। अभी हम रियल लाइफ एग्जाम्पल यूज करके मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है। तो सबने रेलवे देखा होगा, रेलवे की जो पटरी रहती है, द रेलवे ट्रैक्स, ठीक है, तो अगर ये देखें हम, तो ये जो मेन ट्रैक है ना ऊपर और नीचे, तो ये हुआ एक लाइन, ठीक है, और नीचे जो लाइन है ये हुआ दूसरा लाइन। अभी रेलवे ट्रैक्स हमेशा पैरेलल रहते हैं, क्योंकि एक दूसरे से मिला तो रेलवे क्रैश हो जाएगी, है ना, तो रेलवे ट्रैक्स पैरेलल ट्रैक्स रहते हैं, क्योंकि वो कभी क्रॉस नहीं करते, और दोनों के बीच जो डिस्टेंस रहता है, मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूं आपके लिए डिस्टेंस, और जो डिस्टेंस मैं ड्रॉ कर रहा हूं आपके लिए, ये जो डिस्टेंस है, नहीं तो यहाँ पे भी डिस्टेंस लिया लिए हमने, दोनों डिस्टेंस सेम है, मतलब ये पैरेलल लाइंस है, ठीक है। और अभी अगर इसके बारे में बात करें, ठीक है, मैं बस इरेज करता हूँ ये, अभी जो मैं येलो लाइन से बना रहा हूँ, ठीक है, ये जो बीच का लकड़ी रहता है ना रेलवेज में, ऐसे ऐसे जो बीच में आता है, ठीक है, वो क्या हुआ, ट्रांसवर्सल हुआ ना, क्योंकि ये जो मैंने अभी जो येलो लाइंस ड्रॉ किया है, वो जो दोनों लाइंस को कितने बार कट कर रहा है, एक ऊपर और एक नीचे, दो बार कट कर रहा है ना, तो इसका मतलब कि ये ट्रांसवर्सल्स है। सो जो बीच के लकड़ी है वो ट्रांसवर्सल्स, और जो मेन ट्रैक्स रहते हैं ऊपर नीचे, वो पैरेलल लाइंस, ठीक है। अभी दूसरा और फाइनल एग्जाम्पल देखते हैं, विंडो, जो कि किसी ने क्लास में दिया था ये एग्जाम्पल, ठीक है। अगर विंडो का देखें, तो यहाँ पे जो मैंने लाल में डाला है, ये एक पैरेलल लाइन है,
इसके साथ, मतलब जो दो लाल लाइंस हैं दोनों एक दूसरे से पैरेलल हैं, ठीक है? पैरेलल लाइंस हमेशा हम बोलते हैं दिस पेयर ऑफ लाइंस इज पैरेलल, मतलब ये जोड़ी पैरेलल एक दूसरे से पैरेलल है, ठीक है? एक एक करके नहीं बोलते। तो ये जो दो लाल लाइंस मैंने ड्रॉ किया है ये दोनों पैरेलल है क्योंकि ये कभी मिलते नहीं है, ठीक है? और अगर मैं यहाँ पे येलो लाइंस ड्रॉ करूं, ठीक है, तो ये जो येलो लाइंस मैंने ड्रॉ किया है ये ऊपर नीचे की भी लाइंस पैरेलल है क्योंकि ये भी कभी नहीं मिलते, ठीक है? वो स्ट्रेट है एकदम, कभी मिलते नहीं है एक दूसरे से। तो ये येलो लाइंस आपस में पैरेलल है और ये रेड लाइंस आपस में पैरेलल है, ठीक है? अभी अगर हम ये देखें, अगर हम लाल लाइंस को देख रहे हैं पैरेलल, ठीक है, अगर मैं इसको इरेज करता हूँ, ठीक है, अभी अगर हम लाल लाइंस को पैरेलल समझ रहे हैं, ठीक है, और ये जो मैंने अभी नीले में ड्रॉ किया है, ठीक है, अभी अगर हम ये देखें, ठीक है, ये जो नीला लाइन है ये इस लाल लाइन को यहाँ पे एक बार कट कर रहा है और दूसरे लाइन को इस बार यहाँ पे यहाँ कट कर रहा है, टोटल दो बार कट कर रहा है ना, दो लाइन को कट कर रहा है। इसका मतलब ये नीला लाइन जो है ट्रांसवर्सल, ठीक है? तो लाल लाइन पैरेलल है और ये नीला लाइन ट्रांसवर्सल है।